सबसे पहले सुबह ही आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि हम हमारे बकरों का ट्रीटमेंट करें। ज़्यादा बकरे होने की वजह से हमारे फार्म पर एक आधे का बकरा होता ही रहता है। ये सभी फार्म की कहानी है, किसी को बुखार है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो सबसे पहले सुबह की यही कहानी होती है हमारी कि सबसे पहले आए फार्म पर, सारे बकरों को चेक किया, जिस बकरे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको ट्रीटमेंट दिया। अभी फ़िलहाल जो मोस्ट फार्म पर चलता है सभी जगह पर वो है हल्का फीवर, क्योंकि उमस की वजह से और लूज मोशन की शिकायत। तो हम लोग इसमें ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं भाई इंटासेफ्ट आजो एंटीबायोटिक और फीवर के लिए मेलोनेक्स। एंटीबायोटिक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो वायरल है, जो फीवर है, ये वायरल होता है और ये फिलहाल मौसम के हिसाब से है। तो इसमें आप अगर अपने बकरों को एंटीबायोटिक यूज़ करोगे तो इंशाल्लाह उससे उसको बार बार रिपीट फीवर नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। और बंद टैबलेट हम दे सकते हैं लूज मोशन के लिए और मेलोनेक्स होता है फीवर के लिए। तो ये तीन चार चीज़ें हम यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा बकरा कल को वापस से ट्रीटमेंट ना मांगे। तो ये हम लोगों ने अभी मसाला डाला है फीडर में और माशाल्लाह देख लीजिए, हम लोगों ने मसाला खिलाने के तरीके में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उसका रीज़न है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो फार्म रन करते हैं उनको दिक्कत आ रही थी बकरों को, एक एक बकरे को पकड़ के खिलाने में। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुई है दोस्तों, आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह और भी ज़्यादा सहूलियत के हिसाब से आप लोगों के काम करेंगे। आप लोग इस तरीके से मसाला खिला सकते हो, इंशाल्लाह आपके बकरे इसको चाट जाएंगे पूरा। बस कोई नहीं, तुम्हें पकड़ लूँगा। एक बात का ना हमेशा ध्यान रखना, जो हम लोग फार्म रन करते हैं, फार्म रन कर रहे हो या सिंगल डबल बकरे पाल रहे हो, या स्पेशली वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और फार्म कोई और रन करता है उनका, जैसे कि कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो क्या करते हैं कि अपनी लेबर को छोड़ के रखते हैं फार्म पर और अपना जो बिजनेस उनका है वो करते हैं, उनका साइड बिजनेस ही चल रहा है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ये आपको बहुत काम आएगी, कि सबसे बड़ा जो डॉक्टर होता है ना, सबसे बड़ा जो डॉक्टर है वो होता है जो बंदा आपके फार्म पर 24 घंटे रहता है। इस बात को हमेशा नोट रखना, जानवरों की जो बीमारियां होती है ना उससे ज्यादा कोई नहीं पकड़ सकता जो फार्म पर 24 घंटे रहता है। आपको आपके फार्म पर लोगों को इस तरीके से ट्रेन करना है, इस तरीके से ट्रेन करना है कि उनको मालूम रहे। देखो ये बेजुबान जानवर है, एक इंसान है, इंसान को अगर कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको बताएगा भी कि भाई मेरे को यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर ये है, सब कुछ बताएगा और उसी के हिसाब से डॉक्टर इलाज करता है। लेकिन अगर बात आती है बकरों की या जानवरों की, कोई से भी जानवर की, तो ये बेजुबान है, ये बोलकर नहीं बता सकते अपना दर्द, ये सिम्टम्स ही इनके आधार पर ही इनका ट्रीटमेंट होता है। अब सपोज करो आपके स्टाफ को यही मालूम नहीं है कि आपके बकरे को क्या प्रॉब्लम है, उसने सुबह से खाया है, नहीं खाया, पेशाब किया है, मिंगनी करी है, पैर में दर्द दिखा रहा है, बुखार दिखा रहा है, बहुत सारी चीजें होती है और डॉक्टर को बुला लिया जाता है। डॉक्टर आपके बताने पर ही बकरे का ट्रीटमेंट करेगा अपने सामने से, वो जितना जल्द। भाई मेरे फार्म पर ना स्टाफ कम है और उस वजह से मैं उनको पकड़वा के वीडियो बनवा रहा था, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बकरों में लग गए। तो मैं आपको खुद से समझा देता हूँ, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको बड़ा काम आएगी, कि जो भी डॉक्टर आएगा, मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, डॉक्टर्स होना बहुत जरूरी है और डॉक्टर्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर पर ही डिपेंड होना सबसे बड़ी गलतफहमी है फार्म वालों की। डॉक्टर्स पर डिपेंड मत रहा करो, डॉक्टर्स सबसे लास्ट में यूज किया करो कि हाँ भाई डॉक्टर साहब हमारे से समझ में नहीं आ रही बीमारी, अब आप आ जाओ। उससे पहले आपके स्टाफ को सबसे पहले ट्रेन करो। देखो मैं मानूंगा कि आप लोग ये भी बोल सकते हो कि हम स्टाफ को ट्रेन करेंगे, स्टाफ चला जाएगा, जाने दो, नया आएगा, नए को सिखाओ, यही लाइफ है, करते रहो, यही जिंदगी है। आपका जो स्टाफ होगा, या सपोज जैसे मैं हूँ, मैं पूरा दिन फार्म पर रहता हूँ, तो मैं पूरा दिन फार्म पर बकरे को ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि बकरा जब नॉर्मल था तो ऐसा था और जब बीमार हुआ तो ये चीजें कर रहा है। इससे हमें समझ में आता है बकरे की हालात को देखकर कि ये बकरा ऐसे नहीं खड़ा होता था, आज खड़ा है, कुछ ना कुछ मसला है, आज ये बकरा कम खा रहा है, इसको कोई दिक्कत है, ये बकरा बहुत खाता था, या बकरा जुगाली अच्छी करता था, या बकरा, देखो एक नॉर्मल बताऊं, बकरे ने चारों पैर सिकोड़ के खड़ा है और कमर उठाकर खड़ा है, गर्दन झुका के, तो बकरे को पेट में दर्द है। इस तरह की चीजों को ध्यान रखा करो, या तो आप अगर फार्म पर रहते हो या अपने बकरों के पास रहते हो तो आप अपने बकरों को जज करो, पूरा दिन जब भी उनके पास बैठते हो तो उनको उन्हीं के पास बैठा करो, उस टाइम कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने बकरों को देखा करो, बार बार उनकी तरफ को देखा करो और ऑब्जर्व किया करो कि मेरा जानवर अच्छा होने पर ऐसे रिएक्ट करता है और बीमार होने पर ऐसा कर रहा है। फिर जब डॉक्टर साहब आपके फार्म पर पहुंचे या आपके घर पर, तो उनको एग्जैक्ट बताओ कि बकरे ने ऐसे ऐसे किया है, सुबह से शाम तक इतना कुछ खाया है, कितना कुछ करा है, मिंगने कर रहा है, पेशाब कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसी कर रहा है, सब बताओ। यकीन जानना एग्जैक्ट अगर इलाज आपका बकरे को मिल गया तो पहले से दूसरे दिन में बकरा बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। बकरा बिगड़ता जब है जब मर्ज कुछ और हो, दवा किसी और चीज की मिलती है, याद रखना।
अगर आपके बकरे को लूज मोशन है, लूज मोशन का ही इलाज अगर हुआ तो जानवर लूज मोशन से बाहर आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर बकरे को लूज मोशन है और इलाज किसी और चीज का चल रहा है तो गलत हो जाएगा। लूज मोशन आंखों से दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं, बहुत सारी बीमारियां समझनी पड़ती है। तो जिन बीमारियों को समझा करो कि मेरा जानवर ऐसा था, अब इसके बाद डॉक्टर साहब जो भी आएंगे वो आपसे ही पूछेंगे। आपके बकरे को आधा घंटा मैक्सिमम वो देख सकते हैं, आधा घंटा में वो नहीं समझ पाएंगे। पूरे दिन की जो रूटीन है जानवर की वो आप ही बता पाओगे डॉक्टर्स को कि भाई ऐसे हुआ है ऐसे नहीं हुआ है। तो फार्म वालों के लिए स्पेशली अपने स्टाफ को जो बकरों में रहते हैं उनको समझाया करो कि हर एक बकरे की आदत उनको मालूम होनी चाहिए, हर एक बकरे की डाइट उनको मालूम होनी चाहिए, हर एक बकरे का तरीका उनको मालूम होना चाहिए कि बीमारी में ऐसा था, सफल होने पर, इलाज होने पर, तंदुरुस्त होने पर ऐसा है। बड़ा फायदा मिलेगा इंशाल्लाह, देखना। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट रखना। क्या करता हूँ मैं, हर एक बाड़े को मेरे, जब भी मैं मतलब फार्म पर जब भी रहता हूँ, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मैं मोस्टली फार्म पर ही रहता हूँ, हर मतलब बाड़े को एक घंटा देता हूँ सिर्फ अपने बाड़े को। उसमें मैं मोबाइल भी यूज नहीं करता, मोबाइल रखता हूँ, कॉल्स वगैरह लेता हूँ, लेकिन नजरें मेरी हमेशा जानवरों पर रहती है कि हाँ हमारा जानवर ये क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। इससे मुझे मालूम रहता है जानवर को। और मुझे पर्सनली अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है मेरे बकरों को, मैं अपने बकरों की बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि मैं मेरे अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि जो जानवर मेरे फार्म पर है उनका मैं सिर्फ और सिर्फ चेहरा देखकर बता देता हूँ कि ये बकरा आज ठीक है और ये बकरे को आज फीवर है या ये बकरा आज परेशान है। ये उसके दो बच्चे हैं माशाल्लाह। तो हर एक जानवर को, हर एक जानवर पर नज़र बनाकर रखो कि कौन सा बच्चा दूध पी रहा है, कौन सा नहीं पी रहा, तो उससे समझ में आता है। मेरे फार्म पर मुझे अल्लाह का शुक्र इतना है कि मैं अगर बकरों को देखता हूँ मेरे, तो मुझे समझ में आ जाता है सिर्फ चेहरा देख के कि जानवर आज उदास है, बुखार है या क्या है। हेल्दी जानवर की शक्ल अलग होती है भाई, और परेशान जानवर का चेहरा मुरझाया हुआ होता है। ये चीज़ें समझा करो और इन्हीं चीज़ों पर काम किया करो। देखो दवाइयाँ हर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। जैसे आप अपने लिए बचते हो कि यार अस्पतालों से जाने से बचे, दवाइयाँ खाने से बचे, ऐसे ही अपने जानवरों को भी ध्यान रखो कि दवाइयों से बचाओ, क्योंकि दवाइयाँ तोड़ती है, इंसान को तोड़ देती है तो जानवर तो फिर भी बहुत कमज़ोर होते हैं हम लोगों से। तो कोशिश क्या करो कि कम से कम आपके फार्म पर, आपके घर पर, आपके बकरों पर दवाइयाँ यूज़ हो। और एक्चुअली में आप अपने जानवरों की इम्यूनिटी पर काम किया करो कि जानवर की इम्यूनिटी अच्छी रहे, हेल्दी रहे, जानवर खुश रहे। क्योंकि देखो दवाइयाँ एंड ऑफ द डे आपको लॉस ही देगी, आपके बकरे को भी कमज़ोर करेगी और आपके पैसों को भी तोड़ देगी। तो कोशिश किया करो कि कम से कम खर्चा आपके बकरों पर आए। और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने जानवरों को डेली चेक करो, हल्दी का पानी यूज़ करो, सोडे का पानी यूज़ करो। इम्यूनिटी के लिए आप लोग हमारा डाइट मास्टर यूज़ करते हो, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, किड डाइट मास्टर बच्चों की इम्यूनिटी के लिए। तो मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ किया करो जिसमें जानवरों को बीमारी आने पर भी ज़्यादा फील ना हो और वो बीमारियों से लड़ने की उनके अंदर जान रहे। आज तीसरा दिन है इस बकरी के ट्रीटमेंट का, दो दिन ट्रीटमेंट हुआ और आज की अपडेट लेते हैं गुलफाम भाई से। गुलफाम भाई क्या अपडेट है आज इसके थन की? आज एक ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक थन बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसमें नॉर्मल दूध आ रहा है, वो हम बकरे को पिलाएंगे। और एक थन में गुलाबी दूध है, बहुत ज्यादा रेड है कि गुलाबी है? हाँ है, हल्का ही है ना साबान। आज इसको फिर वापस से ना इंटरसेप्ट आ जाओ, इंजेक्शन और मीठा सोडा, ठीक है, और 2 मिल्क बूस्टर, ये 3 चीजें ऐड कर देना याद से, अभी दे देना, फिर शाम को निकालिए इंशाल्लाह। आज शाम तक इसका दूध दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि एक थन इसका नॉर्मल हो चुका है बिल्कुल, दूसरे थन में हल्का फुल्का रह गया है, तो वो भी इंशाल्लाह आज शाम तक ठीक हो जाएगा। और एक ये मेरे भाई, बेटा क्या हो गया, हुआ भी कुछ? इसका नाम तौफीक है, और ये तौफीक इसलिए नाम इसका रखा गया है क्योंकि मेरा एक दोस्त है तौफीक, मैंने उसको एक बकरी गिफ्ट करी थी जब वो पैदा हुई थी, हिबा की बेटी, और वो फिर अल्लाह का शुक्र है फार्म पर उसने बच्चे भी दे दिए। ये तौफीक की बकरी है ये, और ये, और अभी तौफीक भाई ऊपर सेटअप बना रहे हैं अपने यहाँ पर, और इनको लेकर जाएंगे और फिर ये तौफीक भाई के यहाँ पर रहा करेंगे, ठीक है। मेरे ये दोस्त ऐसे हैं, इनको बकरों का बिल्कुल भी शौक नहीं था, अल्लाह का शुक्र है इनको लेकिन शौक अब हो गया है। तो ये अच्छी बात है कि मैंने मेरे बकरों के शौक को बढ़ाया है, ना कि घटाया। टेबल की सफाई रखा करो फार्म पर, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर आपको मक्खी मच्छरों से परेशानी है ना तो इस तरीके से रखा करो, पूरा फार्म माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है। उस तरफ का दिखा नहीं सकता क्योंकि मसला है आपको मालूम है, बाकी इधर का मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल वीडियो डाली थी फोर सेल की, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों बच्चे सोल्ड आउट हो चुके हैं, अल्लाह का एहसान, एंड बेंगलोर वो गए हैं, और अभी जहाँ पे बकरे गए हैं उन भाई ने बोला है कि बारिश है और बारिश के बाद भिजवा देना, यानी कि 10-12 दिन के बाद, तो वो 10-12 दिन के बाद इंशाल्लाह लोड हो जाएंगे, तब मैं आपको वीडियो लगा दूंगा। और भी कुछ बकरे सेल के अगर रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही ब्लॉग के थ्रू बताता रहूँगा, जिस भाई को नीड हो वो ले सकते हैं। देखो मैं कभी भी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग वाले रेट नहीं करता, मैं आपको क्लियर बताऊँ तो वो 40,000 रुपये की सेल हुए हैं,
ट्रांसपोर्ट के साथ जो मैंने बोला था। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है अल्लाह का बड़ा कि लोग बात मानते भी हैं और चीज़ भी अच्छी है। तो यही चीज़ है कि मैं आगे भी इंशाल्लाह जो भी चीज़ें बताऊंगा वो विद प्राइस बताऊंगा। विद प्राइस बताने का मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो कस्टमर बेचारे सिर्फ पूछने के लिए फ़ोन करते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता, और सब अपने बजट के हिसाब से जानवर चेक करते हैं। हर किसी का बजट 50,000 का बकरा लेने का नहीं होता, हर किसी का बजट 1,00,000 का नहीं होता, तो वही हिसाब से सब लोग। लेकिन जब रेट हम लोग बोल देते हैं वीडियोज़ में तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जब अपना हिसाब होता है तो ही लोग फ़ोन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये सिस्टम मुझे अच्छा लगा वीडियो में रेट बताने का। हाँ, इससे थोड़ी सी तकलीफ ही होती है कि जो लेकर बेचने वाले होते हैं उनको थोड़ा मसला रहता है, लेकिन मेरे बकरे कुछ इस तरीके से होते हैं रेट भी कि जो लेकर बेचने वाले होते हैं उनको शायद से पूरा आ ही ना। तो खैर कोई नहीं, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।